वेलकम टू माय चैनल फूड बाउल। और आज मैं बनाने जा रही हूँ लेमन मोजीतो, जो कि एक रिफ्रेशिंग ड्रिंक है और आप इसे गर्मियों में बना के पी सकते हैं और इसको वेलकम ड्रिंक के तौर पे भी सर्व कर सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? इसे बनाने के लिए हमें चाहिए आइस क्यूब्स, 4 बड़े चम्मच चीनी, 2 नींबू जिसको हमने इस तरह से काट लिया है, कुछ पुदीने के पत्ते और हमें चाहिए सोडा। तो चलिए इसे बनाते हैं। सबसे पहले हमें एक स्टील का ग्लास लेना पड़ेगा, उसके अंदर हमने जो ये नींबू काटे हैं उसको हम इसके अंदर डाल देंगे। फिर हम इसके अंदर पुदीने के पत्ते डाल देंगे और जो हमारे पास हमने जो चीनी ली है उसको भी हम इसके अंदर डाल देंगे। उसके बाद हमें इस तरह का एक बेलन चाहिए, या आपके पास कोई स्टिक है आप उससे भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमें इसको अच्छी तरह से क्रश करना है। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है, आप बना सकते हैं और ये बहुत जल्दी ही बन जाता है। तो आपको इस तरह से इसको अच्छी तरह से क्रश करना है। ताकि जो नींबू है उसका फ्लेवर और जो पुदीना उसका फ्लेवर आपस में मिक्स हो जाए और जो चीनी है वो भी अच्छी तरह से इसके साथ घुल जाए। तो आपको इस तरह से इसको अच्छी तरह से क्रश करना है। ये देखिए ये हमने क्रश कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे सोडा। ये देखिए हमने लगभग 4 बड़े चम्मच इसमें सोडा डाला है और अब हम इसे सर्व करते हैं। ये देखिए हमने ये 2 ग्लास लिए हैं सर्व करने के लिए और हम थोड़ा थोड़ा अब दोनों में जो हमने बनाया है उसे डाल देंगे और आप एक चम्मच की हेल्प से जो भी आपने ये लेमन और ये डाल रखा है पुदीना उसको भी आपको इस ग्लास के अंदर डालना है। ये देखिए हमने इसे ग्लास में दोनों ग्लास में अच्छी तरह से डाल लिया है। अब हम इसमें पानी डालेंगे और जो हमारे आइस क्यूब है उसे भी हम इसमें डालेंगे। आप चाहें तो आइस क्यूब को क्रश कर सकते हैं, मुझे ऐसे अच्छा लगता है, मैंने ऐसे बनाया है, आप चाहें तो इसे क्रश कर सकते हैं। फिर से आपको थोड़ा पानी डालना है और फिर एक चम्मच की हेल्प से इसको अच्छी तरह से मिला लेना है। ये देखिए दोस्तों हमारा जो लेमन मोजीतो है ये बिल्कुल रेडी हो गया है पीने के लिए। आप ज़रूर बनाइए और अपने दोस्तों को भी पिलाइए और मेरी रेसिपी मेरे साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।